Hello and welcome to VLearn, Virtual Learning Network. Today we will do session number 12 of Managerial Economics, that is Natural Environment and Business. The topics covered in this session are Introduction, Externalities, Environmental Degradation, Business and Natural Environment, Externalities, Environment Degradation and Market Failure, Internalizing Externalities and the Global Environment Threat. So firstly, we will discuss the introduction part. So Dr. R.K. Pachuri was awarded the Nobel Prize along with A.I. Gore for Environment, Dr. R.K. Pachuri ko A.I. Gore ke saath Nobel Prize award kiya gaya environment ke liye. It was seen as a victory for the cause of economic development within environmental phase. So, over the years, uske baad kya hua? Sustainable economic development ek major goal ban gaya bahut sari countries mein hamare world ki. To usne jyada demand kiya, kya jyada demand kiya? Higher rate of economic growth, jo hamari economic growth ho rahi hai wo aur jyada speed se grow kare, हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर रखते हुए, और जो एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन है इन द प्रोसेस ऑफ रैपिड ग्रोथ वो उसका मेन कंसर्न हो. तो ग्लोबल वार्मिंग और डैमेज टू द ओजोन लेयर आर द टॉक ऑफ द डे. आजकल क्या है हमारा मेजर टॉपिक डिस्कशन का रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट इज आर ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन लेयर. सो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़रूरत है एक्स्ट्रा केयर की, मेंटेन करने के लिए हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस पूरे वर्ल्ड में. जो हेल्दी ग्लोब है वो इमर्ज होता है ओनली विद अ हेल्दी एनवायरनमेंट. तो बिजनेस के जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, और बिजनेस यूनिट हैव ग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस डायरेक्शन. तो मेंटेनेंस ऑफ रीजनेबल इकोलॉजिकल बैलेंस हैज़ बिकम वन ऑफ द प्री रिक्विजिट ऑफ कंडीशन ऑफ एनी बिजनेस टू फ्लोरिश. तो बेसिकली सेशन में हम देखेंगे कि क्या वेरियस फेसेस क्या क्या है हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, और उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे हमारे बिजनेस पे और पूरी हमारी सोसाइटी में. सो एज नाउडेज वी हैव डिस्कस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिमांड जो होगी वो हायर हो गई है. रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. बिजनेस का जो है वो क्लोज रिलेशन है विद नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, राइट, एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास इस डायरेक्शन में, और हमें मेंटेन करके रखना है रीजनेबल इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमारी प्री रिक्विजिट कंडीशन है. एक तरह से किसी भी बिजनेस में अगर हमें फ्लोरिश करना है तो प्री रिक्विजिट कंडीशन है हमें मेंटेन करके रखना हमारा रीजनेबल इकोलॉजिकल बैलेंस. नाउ What are the externalities? Externalities क्या होती हैं? Externalities क्या होती है? एक benefit है या एक cost है that is associated with an economic transaction which is not considered by the manufacturer. तो basically common factor होता है observe करने के लिए almost सारी economic activities को जो आपस में interrelated है या interconnected है एक दूसरे से directly या indirectly. तो ऑन अकाउंट ऑफ वन पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अगर हम देखें तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है दूसरी पे और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है. ऐसे फैक्टर्स आर सो कॉमन इन आर डे टू डे लाइफ. सो द कॉन्सेप्ट जो है एक्सटर्नल का हमें एक आइडिया देता है अबाउट ऐसे टाइप्स के इफेक्ट्स के बारे में या प्राइवेट एक्टिविटीज़ में या पब्लिक एक्टिविटीज़ में. तो एक्सटर्नलिटीज़ या स्पिल ओवर इफेक्ट या नेबरहुड इफेक्ट आर कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल कॉस्ट है और जो बेनिफिट है टुगेदर आर कॉल्ड दी एक्सटर्नलिटीज. या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द टर्म एक्सटर्नलिटीज रेफर टू बेनिफिट और कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. जो भी बेनिफिट हो रहा है हमें या जो भी कॉस्ट लग रही है जब हम कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं which is not taken into account by those directly involved in making it. So external cost and benefit together are called the
एक्सटर्नलिटीज़। अब एक्सटर्नलिटीज़ हमारे पास दो टाइप की होती हैं, वी हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड वी हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। नाउ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ इन कौन सी होती है हमारे पास, बेसिकली दैट कन्फर एक्सटर्नल बेनिफिट, वाइल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन्वॉल्व एक्सटर्नल कॉस्ट। जब हमें एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, जब हमें बेनिफिट हो रहा है, और जब हमें एक्सटर्नल कॉस्ट पड़ती है तो हमारे लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, राइट। नाउ दीज एक्सटर्नलिटीज अराइज बिकॉज इन केस ऑफ बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, दोनों के केस में ये एक्सटर्नलिटीज अराइज होती है। कंजम्पशन कंसिडर, जब हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई चीज़ तभी भी होती है, और जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तभी भी होती है। सो लेट अस टेक सम सिंपल इलस्ट्रेशन, कुछ हम एग्जांपल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन कब होती है, व्हेन द गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट फॉर वेरियस काइंड ऑफ वैक्सीनेशन। जब गवर्नमेंट अरेंज करती है हमारे लिए, कुछ अरेंज करती है, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशंस वगैरह बच्चों को दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, इन दैट केस दे डोंट हेल्प द पर्सन वैक्सीनेटेड बट ऑल्सो द एंटायर नेबरहुड वेयर द पर्सन लिव्स इन, बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेजियस डिसीजेज। मतलब कि लाइक इस टाइप की वैक्सीनेशन देना जो, जैसे दवाई वो मच्छरों की जो दवाई जो छिड़की जाती है, तो वो बेसिकली सिर्फ उस पर्सन की हेल्थ के लिए ना लेकर पूरे एंटायर हम अपने उसको लेके एरिया को लेके चलेंगे, ताकि वो प्रिजर्व रहे, प्रिवेंटेड रहे कॉन्टेजिनियस डिसीजेज से। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कंजम्पशन में कौन सी होती है, व्हेन अ यंग मैन राइड्स अ नॉइजी मोटरसाइकिल एंड ही विल गेट ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंजॉयमेंट, ही विल क्रिएट मोर नॉइज, बट दिस विल डिस्टर्ब द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द नियर बाई एरियाज एंड क्रिएट डिसप्लेजर अमंग द पीपल। तो ये हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुई कंजम्पशन के केस में, भाई जब एक यंग मैन है और तेज से बाइक चला के जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, बहुत इंजॉय कर रहा है और शोर मचाने में, लेकिन बाकी लोगों को इस चीज़ से डिस्टर्बेंस हो रही है, दैट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी राइट इन कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन के केस में अगर हम देखें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, बी कीपर्स ट्राइड टू पुट देयर बिहीव्स ऑन फार्म्स बिकॉज द नेक्टर फ्रॉम द प्लांट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ हनी, तो द फार्मर ऑल्सो रिसीव एडवांटेजेस फ्रॉम द बिहीव्स बिकॉज द बीज एट पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट। तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है। और इसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रोडक्शन के केस में क्या होगी, जब इंडस्ट्रियल यूनिट डंप करती है अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को इन टू द नियर बाय रिवर, इन दैट केस पीपल कैनॉट यूज़ द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। तो ये एक नेगेटिविटी आ गई यहाँ पे, तो ये इसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है प्रोडक्शन के केस में, राइट। नाउ हमने भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर फ्री हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर, नेशनल डिफेंस, ये सब क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब क्या है हमारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नाउ वी हैव मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी हम डिस्कस कर ली है। मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या होते हैं, आर दोज वो एडिशनल बेनिफिट जो एंजॉय करते हैं, जो पूरी एंटायर सोसाइटी एंजॉय करती है, किसके अकाउंट पे, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकाउंट पे, एंड जो हमारा मार्जिनल सोशल कॉस्ट है वो रेफर करता है वो कॉस्ट जो इनकर करते हैं बाय द पीपल और द गवर्नमेंट ड्यू टू एन एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ हमारा जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, दैट इज MCBMSB, दैट इज इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। तो हमारा जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, दैट इज इक्वलेंट टू MPB एंड MEB। सो मार्जिनल सोशल कॉस्ट, हमने पहले बेनिफिट डिस्कस किया, मार्जिनल सोशल कॉस्ट किसके इक्वल है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, पहले हमारा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट था, प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया है कि जब हमारा MSB मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, तो ऑल ओवर इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे रिसोर्स एलोकेशन में, प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट गुड्स,
और अगर हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट इन ज़्यादा होगा, मार्जिनल सोशल कॉस्ट से, उस केस में इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू प्रोड्यूस अ कम्युनिटी इन लार्जर क्वान्टिटीज बिकॉज द बेनिफिट एक्सीड्स कॉस्ट। और अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी बेनिफिट से, उस केस में डेंजर मिल जाएगा, डेंजर सिग्नल मिल जाएगा कि वन हैज़ टू डिक्रीज प्रोडक्शन, कम कर दो, कॉस्ट एक्सीड्स बेनिफिट्स। और इसलिए जो हमारा फंडामेंटल क्राइटेरिया है टू सी दैट बोथ एमसीबी एंड एमएससी आर टू बी बैलेंस टू ईच अदर टू मैक्सिमाइज दी बेनिफिट्स। देन वी हैव डिस्कस दिस स्लाइड। देन वी हैव एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है? बेसिकली जो रीसेंट ईयर्स में हमने देखा कि बहुत ही फास्ट और क्विक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारी वर्ल्ड में, तो एक विजिबल चेंज हमें दिख रहा है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्या पैटर्न हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो अगर हम देखें दी नेम ऑफ क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बहुत छोटे टाइम में तो एक फास्ट डिप्लीशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, एंड मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मे बी एग्जॉस्टेड इन नियर फ्यूचर। तो देयर हैज़ बीन एक्सेसिव एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारी फास्ट डिप्लीशन हो रही है सारे रिसोर्सेज की, उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है? हमारा इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, डिसलोकेशन हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कैन बी अचीव्ड व्हेन एनवायरमेंट इज प्रोटेक्टेड, कंजर्व्ड, सेफ एंड इम्प्रूव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम तभी अचीव कर सकते हैं, सस्टेन डेवलपमेंट, जब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन रहेगी, सेफ रहेगा और इम्प्रूव्ड रहेगा। और इन्वायरमेंटल डैमेजेस किस वजह से हो रहे हैं हमें? डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं, सॉलिड और हैज़ार्डियस वेस्ट की वजह से हो रहे हैं जो इंडस्ट्रीज से आता है हमारे रिवर्स में, रिवर्स वाटर में। और लॉस हो रहा है हमारी बायोडायवर्सिटी का, वाटर का, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो इन सब की वजह से हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता जा रहा है। नाउ अब वी हैव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट सीक्स टू मीट द नीड्स एंड एस्पिरेंस ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या देखती है कि टू मी द जो प्रेजेंट एस्पायरेंट्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन्स। सो बेसिकली अगर हम इसमें देखें कि हमारे एनवायरमेंटल के जो एनवायरमेंटल डैमेजेस हैं उसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे हमारे पास वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, देन वी हैव सॉलिड एंड हैज़ार्डियस वेस्ट। तो ये कुछ सेवरल वेज हैं दैट हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। बिजनेस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट में बेसिकली जो हमारा बिजनेस है और इन्वायरमेंट है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। जो नेचर है, मैग्नीट्यूड है, कॉम्पोजिशन है, डायरेक्शन है हमारे बिजनेस की, बेसिकली डिपेंड करती है पौधे किस टाइप का हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है जो एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में। बिजनेस और इन्वायरमेंट का सिम्बॉलिक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल है। नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड करती है लैंड फॉर्म, लोकेशन एस्पेक्ट, ट्रोपोलॉजिकल कंडीशन, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, कोस्ट लाइन्स, फॉरेस्ट, सॉयल, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन एंड सो ऑन। और नेचुरल इन्वायरमेंट इसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर जो इंक्लूड होते हैं बोथ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट, वुड अफेक्ट द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज इन अ कंट्री। सो बेसिकली जो इकोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल और नेचुरल फैक्टर हैं जो जिसमें हमारे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो अफेक्ट करते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो गाइड करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं सारे नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है शुड नॉट क्रिएट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेड हो, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो या डिग्रेड हो। और अगर सोशल कॉस्ट एक्सीड करती है प्राइवेट प्रॉफिट को,
कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है प्रॉफिट से, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिकम इनएविटेबल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. देन वी हैव एक्सटर्नलिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड मार्केट फोर्सेस, सॉरी मार्केट फेलियर. सो बेसिकली एक्सटर्नलिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और मार्केट फेलियर, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं, राइट? सो मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट मैकेनिज्म फेल्स टू अचीव एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सेवरल कंस्ट्रेंट, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, इसलिए मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है अचीव करने में एक एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, क्योंकि उसके पास उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं. और मार्केट फेलियर अराइज कब होता है? एक तो जब एजम्पशन होती है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की, इन मार्केट इज़ लॉन्ग, हम सोचते हैं कि हमारी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन वो एजम्पशन गलत है, तब हमारी मार्केट फेल हो जाती है. एजम्पशन ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल वैल्यूएशन इज़ रॉन्ग, जब हम सोचते हैं कि कोई डिफरेंस ही नहीं है प्राइवेट और सोशल वैल्यूएशंस में, अगर ये एज्यूम कर चलते हैं तो ये भी गलत है, ये भी हमारी मार्केट फेल हो जाती है यहाँ पे भी. एंड द थर्ड इज़ फेलियर टू सप्लाई पब्लिक गुड्स एंड मैरिट गुड्स. तो मार्केट फेलियर इन तीनों की वजह से अराइज होता है बेसिकली. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज. सो बेसिकली बिफोर गोइंग टू इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज, इन द लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सटर्नलिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड मार्केट फेलियर, वी हैव सम मोर पॉइंट्स ड्यू टू विच मार्केट फेलियर अकर्स. We have discussed the assumption of perfect competition. We have discussed the assumption that there is no difference between private and social valuation. Failure to supply public goods. अगर हम public goods supply नहीं कर पा रहे तो भी हम fail, market fail हो जाती है हमारी. Failure to supply merit goods तो भी हमारी market fail हो जाती है. जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जो हमारे सब्सिडाइज्ड गुड फूड होता है, क्लोथिंग होती है, शेल्टर, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट्स टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा, ये मार्केट कैन नॉट रियलाइज द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सच गुड्स. तो बेसिकली जी दे आर सच, ये गुड्स हैं विच आर बी कंज्यूम्ड बाई द पीपल इररिस्पेक्टिव देयर लेवल ऑफ इनकम. तो वी कैन कि मार्केट रियलाइज नहीं करती इनकी वैल्यू, इनकी सिग्निफिकेंस कैसे गुड्स की, और फेल हो जाती है. देन फेलियर टू सप्लाई ऑफ फ्यू अदर गुड्स ऑल्सो. देन दी नाउ लेट अस एनालाइज द इम्पैक्ट क्या होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का कंजम्पशन के केस में, एंड टू मेजर क्या क्या मेजर हम ले सकते हैं जो गवर्नमेंट लेती है टू यू इम्प्रूव दिस नेगेटिविटी. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन में हमें पता ही है, कंज्यूमर क्रिएट करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बाई परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग ऐसी कम्युनिटीज और सर्विसेज. कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास क्रिएटिंग नॉइज पॉल्यूशन बाई यूजिंग कार स्टीरियोज, पैकुलर हॉर्न, स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज, ड्रिंकिंग एल्कोहल, इंडल्जिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स, इल ट्रीटिंग एलिमेंट्स, लिटर ऑन पब्लिक प्लेसेस एंड ऑन स्ट्रीट, पॉल्यूशन फ्रॉम कार्स एंड बाइक्स, यूज ऑफ नरकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा. ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हमारे, जिसकी वजह से बेसिकली हमारी नेगेटिविटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो कंजम्पशन में आती है. हमारे एग्जाम्पल ने एज्यूम किया कि हमारे पास कोई एक्सटर्नलिटीज नहीं है प्रोडक्शन में, और मार्जिनल सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट है वो इक्वल है, और कॉम्पिटिटिव सप्लाई का जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉमन मार्जिनल कॉस्ट. नाउ नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज, सेम एज वी हैव स्टडीड द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कंजम्पशन, वी हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, नेगेटिव इन प्रोडक्शन एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन. नाउ इंटरनलाइजिंग इन एक्सटर्नलिटीज कब होती है? जब कोई इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट टेक्स एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट इन टू अकाउंट. तो इन केस हमारे पास एक्सटर्नल बेनिफिट है, दे कैन बी इंटरनलाइज्ड और एक्सटर्नल कॉस्ट मे बी बॉर्न बाई बिजनेस यूनिट इट सेल्फ. हाउएवर
However, एक फर्म हैज़ टू मेक अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन इट्स बिजनेस ऑपरेशन बोथ एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल. सो बिजनेस एक्सटर्नल एनालाइजिंग एक्सटर्नलिटी कब होती है, जब बिजनेस यूनिट एक करती है एक्सटर्नल एक्सटर्नल कॉस्ट या बेनिफिट देखती है अपने अकाउंट में. तो गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज बेसिकली हम इफ कुछ मेजर है हमारे पास जिससे दैट डिजर्व आर अटेंशन इन दिस डायरेक्शन, जैसे गवर्नमेंट की टैक्सेस और ये कुछ हमारे पास मेजर्स हैं जिससे हम इसको दैट आर डिजर्व आर अटेंशन इन दिस डायरेक्शन. जैसे फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. अगर हमारा यहाँ पे MSC मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल ज़्यादा हो जाती है मार्जिनल सॉरी MPC से. सो एज वी हैव डिस्कस ऑल दीज तो गवर्नमेंट टैक्सेस जो है प्रोड्यूसर्स की तरफ से लगता है. अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है MPC से किसी भी एक्टिविटी ने गवर्नमेंट सब्सिडाइज दी प्रोड्यूसर्स. अगर हमारा MCP लेस देन है MPP से तो गवर्नमेंट टैक्सेस कंज्यूमर्स, और अगर MCP ज़्यादा है MPP से तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज दी कंज्यूमर्स. देन वी हैव डायरेक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशन और हेल्थ और सिक्योरिटी एक्सटर्नलिटीज के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है डायरेक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल्स, कुछ सर्टेन रूल सेट करके और रेगुलेशन सेट करके पॉल्यूशन के रिगार्डिंग. देन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स, लीगल लिमिट जो है हाउ मच पॉल्यूशन अ फर्म कैन एमिट एक्सीडिंग लिमिट कैन रिजल्ट इन मॉनिटरी एंड इवन क्रिमिनल पेनल्टीज. एंड द लास्ट इज प्रिस्क्राइबिंग अ फर्म अमिशन. अदर देन दिस वी हैव इंट्रोड्यूसिंग ऑफ लाइबिलिटी रूल्स, कुछ लाइबिलिटी रूल्स इंट्रोड्यूस करना लीगल सिस्टम में डिजनरेट्स ऑफ एक्सटर्नलिटी लीगल लाइबल और या कोई डैमेज जो होता है कॉज टू अदर पर्सन्स. डेफिनेटली प्रॉपर्टी राइट्स, लीगल रूल जो डिस्क्राइब करते हैं व्हाट पीपल एंड फर्म्स में डू देयर प्रॉपर्टी एंड नेगोसिएशन एंड द कॉज थ्योरम. पार्टीज जो अफेक्ट करती है बाय अफेक्टेड होती है एक्सटर्नलिटीज की वजह से, वो नेगोशिएट करती है कॉस्टलेस विद वन अनदर, एक एफिशिएंट आउटकम रिजल्ट निकलता है नो मैटर हाउ द लॉ असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेजेस. देन वी हैव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल एनवायरनमेंट थ्रेट क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हैव क्रिएटेड इननिमरेबल ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन रिसेंट ईयर. कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेट हमारे पास कौन कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वो बढ़ रहा है, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन डिप्लीट होती जा रही है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और होलोकॉस्ट हो रहे हैं. सो दीज वर दी सम ऑफ दी इम्पोर्टेंट थ्रेट्स, ग्लोबल एनवायरमेंट थ्रेट जो हमारे पास आ रहे हैं. नाउ देर आर क्वेश्चन सम क्वेश्चन फॉर यू. द फर्स्ट इज वॉट आर एक्सटर्नलिटीज एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज एनालाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू सो मच. हैप्पी बी लर्निंग.